सो वाले दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहने। तो आज की इस वीडियो कोई इवेंट के ऊपर नहीं है। आज की इस वीडियो आप चाहो तो देख भी सकते हो या फिर तो नहीं भी देख सकते हो। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि ये सातों वीडियो BTS बंडल में से मेरे को कौन सा वीडियो, और साथ में इस वीडियो में ये भी दिखाऊंगा मैं आपको कि रिडीम फ्री कैरेक्टर में से मैंने कौन सा फ्री कैरेक्टर लिया एंड क्या क्या मेरे को मिला रिडीम फ्री कैरेक्टर से। तो इसी के ऊपर वीडियो, तो आप चाहो तो देख भी सकते हो या फिर तो नहीं भी देख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जल्दी दिखाना तेरे को कौन सा बीडीएस बंडल मिला और कौन सा तूने फ्री कैरेक्टर लिया। इतनी भी जल्दी क्या एलियन के बच्चे दिखाता ना, थोड़ा सबर करो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे को कैरेक्टर ट्रेल बॉक्स है, मैंने कौन सा कैरेक्टर ट्रेल बॉक्स है यानी कि परमानेंट कैरेक्टर लिया। तो सबसे पहले मैं इसको फटाफट से ओपन कर लेता हूँ यानी कि एक्सचेंज कर लेता हूँ 100 टोकन के बदले में। तो यहाँ पे मैं एक्सचेंज कर चुका हूँ और मेरे को ये कैरेक्टर ट्रेल बॉक्स मिल चुका। अब मैं इसे फटाफट से ओपन कर देता हूँ। अरे और यहाँ पे देख सकते सारा का सारा कैरेक्टर बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है यार, आधा से बेसी यानी कि बहुत सारे कैरेक्टर मेरे को यहाँ पे परमानेंट पहले से ऑलरेडी हुआ है। तो यहाँ पे डीजे आलोक भी मेरे पास परमानेंट है इसलिए मैं डीजे आलोक को नहीं लूँगा। और ये जो देखने को मिल रहा है स्कैलर, ये भी मेरे पास पहले से ही परमानेंट है। तो इसके अलावा मैं यहाँ पे के कैरेक्टर को ले लेता हूँ क्योंकि मेरे पास जो के कैरेक्टर ना वो मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं के कैरेक्टर को परमानेंट ले लेता हूँ और के कैरेक्टर मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से के कैरेक्टर को इक्विप कर और कमेंट के अंदर आप ये बताओ कि आपने इस बॉक्स से कौन सा कैरेक्टर परमानेंट लिया। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे को BTS इवेंट से कौन सा बंडल मेरे को फ्री में मिला। तो दोस्तों फटाफट से मैंने इस इवेंट के अंदर आ गया और मेरे को यहाँ पे BTS के स्टार टोकन एक्सचेंज करने को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से एक्सचेंज कर लेता हूँ, वो भाई मेरे को ये BTS क्रिस्टल टोकन मिल चुका है। अब चलिए मैं आपको स्पिन करके दिखाता हूँ कि मेरे को कौन सा BTS बंडल फ्री में मिलता है यानी कि मेरा लक कितना होता है यार। मेरे को सिर्फ ना वो पिंक वाला, ये पिंक वाला मेरे को नहीं मिला क्योंकि मेरे को ये पिंक वाला बहुत ही घटिया लगता है, इसलिए मेरे को बस पिंक वाला नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक BTS क्रिस्टल टोकन हो चुका है और फटाफट से मैं इसको यानी कि स्पिन कर लेता हूँ और कौन सा बंडल मेरे को मिलता है ये आप लोग भी लाइव ग्रुप में देख सकते हो यार। सिर्फ मेरे को ये पिंक वाला नहीं मिले, तो यहाँ पे मैं स्पिन कर दिया हूँ और मेरे लक के अनुसार मेरे को सिर्फ पिंक वाला नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को ग्रीन वाला बंडल मिल चुका जो कि मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और आपको इस इवेंट के अंदर से कौन सा बंडल फ्री में मिला आप कमेंट के अंदर जरूर बताना। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट ले लिया और चलिए मैं आपको लॉबी पे दिखा देता हूँ कि ये जो बंडल कैसा देखने में लगता है। तो फटाफट से मैं इस बंडल को देख लिया। ओ भाई इसका तो डांस मेरे को बहुत ही पसंद है, गजब का डांस करता है यार। आपको बंडल किस प्रकार से डांस करता है ये भी कमेंट के अंदर जरूर बताना और साथ में आप ये भी बताना कि आपको कौन सा बंडल इनमें से फ्री मिला था। और ये बंडल कुछ ज्यादा खास नहीं है लेकिन इसका जो हेयर स्टाइल है ना वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा यार। सिर्फ कोबरा बंडल जैसा ही इसका हेयर स्टाइल है, सिर्फ इसका जो कलर है ना इसका हेयर स्टाइल का वो चेंज है। और इसका डांस देखो यार क्या डांस करता है। तो चलिए मैं इसको फटाफट से ओपन करके इक्विप कर लेता हूँ एंड लॉबी पे आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से ये बंडल लगता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से इस बंडल को ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पे मेरे को मिल चुका है BTS क्रिस्टल टोकन से बंडल और आप लोग देख सकते लॉबी पे कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैंने इसका मास्क कोई और बंडल का लगा दिया क्योंकि ये ऐसे मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसको मास्क भी पहना दिया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, होप कि आपको ये वीडियो पसंद है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, हो सके तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपको किसी अगले वीडियो एंड अगले इवेंट के साथ, तब तक बाय बाय।